आप लोग बस एक बार लाइव टेलीकास्ट देखो, बस यहाँ पर खड़े रहते हैं। अब देखते हैं कितने एंडरमैन आते हैं। देखो अभी दो आए, तीन चार हो गए, अब थोड़ी देर में दो और आ जाएंगे, एक दो और आ जाएंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर में ही इतने सारे हो। देखो एक और आया उधर से, एक और, देखो पूरी भीड़ जमा हो गई। So, hey guys, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट में एंडर पर्ल एक्सपी फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइस यार, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, एंड जो भी नया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यार, एंडर पर्ल एक्सपी फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को जो भी सामान चाहिए होगा वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से ही लिख रखा है, आप लोग वहां से जाके कॉपी ले कर लेना है। एंड या हम लोगों को एंडर पर्ल फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर ड्रैगन रहता है उस वाले वर्ल्ड में आ जाना है। सबसे पहले आप लोग ड्रैगन को मारेंगे, एंड उसके बाद जो हमारा याला पोर्टल है उससे थोड़ा दूर इस एरिया में, चलो हमारा इससे चलो यहाँ पर सही है, इस एरिया में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर 3x3 का एक एरिया बना ले लेना है। जैसे 1 2 3 1 2 3 देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3x3 का एक एरिया ले लिया है। एंड उसके बाद आप लोगों को इस एरिया को 27 ब्लॉक नीचे तक डिग करना है। तो मैं इसको फटाफट से करके आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलता हूँ। तो गाइस यार, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 27 ब्लॉक नीचे तक डिग कर लिया है 3x3 की रो में। एंड मैं आप लोगों को ऊपर से भी दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर इस साइड में ब्लॉक लगाए ताकि थोड़ा सही लगेगा कि यहाँ पर मेरा अंडर पर्ल फार्म है। आप चाहें तो इसे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नीचे आ जाएंगे, एंड जो हमने जो 3x3 का एरिया लिया है इसके साइड में हम दो ब्लॉक और आगे को डिग करते हुए इस पूरे एरिया को यहाँ पर से डिग कर लेंगे। तो मैं इसको फटाफट से करके आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलता हूँ। यार वी गो, तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो दो ब्लॉक हर साइड से डिग कर लिया है। एंड उसके बाद आप लोगों को जिस साइड से एंडर पर्ल लेने के लिए अंदर आना होगा अपनी चेस्ट तक, उस साइड में आप लोगों को एक एक ब्लॉक और डिग कर लेना है। जैसे मैं इस साइड से आऊँगा तो मैं यहाँ पर एक एक ब्लॉक ऐसे खोद लूँगा। एंड ये सब करने के बाद आप लोगों को अपने अंदर आने के लिए एक रास्ता बनाना होगा। आप ऐसे एक रास्ता मतलब 20-21 ब्लॉक दूर तक, ऐसे इस फार्म से 20-21 ब्लॉक दूर तक आप लोगों को ऐसे ले जाना होगा। एंड देख सकते हैं मैं शायद से 20-19 ब्लॉक इधर आ गया हूँ। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से ऊपर को डिग करना होगा। देखते हैं मेरे यहाँ पर इस जगह पर क्या कहते हैं, मैंने अपना रास्ता बनाया। एंड यहाँ पर आप लोग ब्लॉक ब्लॉक से कुछ सिंबल टाइप का बना लेंगे। एंड मेरे को जब भी यहाँ पर से एंडर पर्ल चाहिएगी तो मैं सिंपल यहाँ पर आ जाऊँगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर लैडर भी ले लेनी है, एंड लैडर लगा लेनी है जिससे आप लोग ऊपर नीचे जा सके। एंड तो मैंने यहाँ पर ऐसे लैडर तो लगा लिए है। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हॉपर और चेस्ट ले लेनी है। एंड आप लोगों का जो स्क्वायर वाला एरिया है, एंड आप लोगों का इधर से आने वाले जो एरिया है यहाँ पर आप लोगों को एक चेस्ट लगा देनी है। एंड इसी चेस्ट से क्राउच होते हुए इस वाले स्क्वायर में पूरे में हॉपर 9 हॉपर लगेंगे, यहाँ पर 9 हॉपर लगा लेने हैं। एंड इन हॉपर के ऊपर आप लोगों को स्लैब्स भी लगा लेने हैं ताकि जो इनमें से आप लोगों को एक्सपी मिले वो आपके पास आए, हॉपर में ना जाए। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो नीचे का काम है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर से ऊपर चले जाएंगे एंड ऊपर वाला काम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस आप लोगों को जो एंडर पर्ल फार्म बनाने के लिए सबसे पहले बीच में सेंटर में एक ब्लॉक लगा लेना होगा। सेंटर में ब्लॉक लगाने के लिए आप लोग यहाँ पर पहले ये ऐसे स्लैब या कुछ ब्लॉक लगा सकते हैं। एंड फिर आप यहाँ पर से ब्लॉक ले लेंगे, एंड उस ब्लॉक के ऊपर आप लोगों को देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है। एंड उस ब्लॉक के ऊपर आप लोगों को दो ब्लॉक ऐसे लगा देने हैं। एंड इस वाले ब्लॉक में आप लोगों को ऊपर से क्या कहते हैं आयरन बार लगा लेना है। ये ऊपर से आपने यहाँ पर आयरन बार लगाया, फिर इसके ऊपर आप एक ब्लॉक ऐसे लगा लेंगे, इसके जस्ट ऊपर ऐसे ब्लॉक लगाएंगे कि दोनों ब्लॉक के बीच में आपका आयरन बार आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर एल टाइप का एक हाफ एल बना लेंगे, इसको मैं तोड़ देता हूँ। यहाँ पर से आपका हाफ एल बन गया। एंड उसके बाद जो आप लोगों का ये वाला एरिया है आप इसको पूरा कवर कर लेंगे। एंड आप लोगों का जो ये वाला इस ब्लॉक के जो खाली ब्लॉक छुटे हैं उसके बगल वाला ब्लॉक भी आप लोग यहाँ पर डिग कर लेंगे। एंड देख सकते हैं हमारा जो एंडर पर्ल फार्म है वो ऐसा लग रहा है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर से रेल ले लेना, एंड रेल को इसके ऊपर ऐसे लगा देना। एंड उससे पहले हम लोगों को इसे डबल ब्लॉक के हाइट में ले जाना है, ऐसे ले गए। एंड उसके बाद आप लोगों को ये देख लेना है कि जो आप लोगों का ये वाला एरिया है इसके इस अपोजिट साइड को मतलब इस एरिया में आप लोगों को यहाँ पर माइन कार्ड लगा देनी है। एंड इसमें आप लोगों को एंडर मीट को स्पॉन करना है। एंडर मीट को स्पॉन करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी एंडर पर्ल चाहिए जो आप लोग ज़मीन में मारोगे जिससे एंडर मीट स्पॉन होगा। देख सकते हैं फाइनली हमारा एंडर मीट जो है वो यहाँ पर स्पॉन हो गया है। बट ये हमारा डिस्पॉन ना हो इसके लिए हमें इसको एक नाम दे देना होगा। नाम देने के लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पर से एक एनविल ले लेना है। एनविल में आप लोगों को यहाँ पर नेम टैग डालना है, एंड ऊपर से आप लोग इसका कोई भी नाम रख सकते हैं जिससे मैं सब्सक्राइब ही रख देता हूँ। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो मैंने इसका नाम सब्सक्राइब रख दिया है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको तोड़ देता हूँ। एंड इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे कोई सा भी, जैसे मैंने सब्सक्राइब दे दिया। पहले हमें इसे माइंड कार्ड से निकालना होगा, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर देख सकते हैं।
एंड फिर हम लोग यहाँ पर वापस से एक माइन कार्ड ले लेंगे। मैंने यहाँ पर से माइन कार्ड ले ली है बट ये अभी बैठ नहीं रहा हमारा। देखिए हमारा ये जो एंडर मीट है वो बैठ गया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सिंपली स्लैब लगा लेना है, ऐसे आप लोगों को स्लैब लगाना है। एंड आप लोगों को जो बाकी के ये हैं इन सबको तोड़ देना है, बाकी के ब्लॉक्स जो है वो आप लोगों को तोड़ देने हैं सिंपली। एंड तो गाइस यार मेरे से एक गलती हो गई छोटी सी, आप लोगों को जो रेल का जो मतलब एंटर नहीं किया वो दूसरी साइड को स्पॉन करना है, जो आप लोगों का ये सिंपली सीधा वाला एरिया है ना इस साइड को आपको इसको धक्कर देकर लगा देना है। मैं यहाँ पर भी ऐसे स्लैब लगा दूंगा एंड उसके बाद इसको उधर साइड को पुश कर दूंगा। यप एंड इसके बाद मैं ये बाकी का ब्लॉक तोड़ लूँगा। अब हमारा इंटरमीट कहीं नहीं जाएगा, हम लोग इस ब्लॉक को भी तोड़ सकते हैं सिंपली। एंड अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे हमारा एंडरमैन जो है वो नीचे क्यों नहीं जा रहे, आप लोगों को यहाँ पर सिंपली ट्रैप डोर लेने हैं एंड चारों तरफ का आप लोगों को ट्रैप डोर से ऐसे नहीं सिंपली आप लोगों को ऊपर से ट्रैप डोर लगाने हैं, इन लोगों को नीचे को बंद कर देना है। मैं आप लोगों को एक बार इनको मैंने आपको खोल के बंद करके दिखा दिया कि ऐसे लग रहे हैं एंड इसके बाद आप लोगों को इन्हें खोल लेना है। एंड एंडरमैन एंडरमीट से अट्रैक्ट होते हुए मतलब उसको मारने के लिए इधर साइड आएंगे एंड देख सकते हो इतने सारे नीचे पहुँच गए हैं अभी तक। एंड और भी अभी आएंगे, अभी यहाँ पर तो दिख नहीं रहेगा, सब उसके अंदर ही घुस गए हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। एंड आप लोग हार्ड मोड भी कर सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एंडरमैन स्पॉन हो एंड इसको मारने के लिए नीचे जाएं। एंड सिंपली हम लोगों को यहाँ पर से नीचे आ जाना है। हमारे एंडरपल फार्म जो है एंडरपल एक्सपी फार्म जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है अभी तक। एंड मैं यहाँ पर से सर्वाइवल में आ जाऊँगा, देख सकते हैं हमारे इतने सारे एंडरमैन अभी तक आ गए हैं। मैं यहाँ पर से सर्वाइवल में आ जाऊँगा एंड मैंने यहाँ पर लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड ले रही एंड तो मैं सर्वाइवल में आ गया, मैंने थोड़े एंडरमैन मारे थे। एंड आप लोग मेरी एक्सपी देख सकते हैं, मेरी एक्सपी 50 थी पहले क्योंकि मैंने ड्रैगन को मारा था उससे एक्सपी मिली, तो इसके आगे अभी मेरी 6 बढ़ी क्योंकि मैंने थोड़े एंडरमैन मारे। तो अब जाके देखते हैं कि अब हमारी कितनी बढ़ती है। यार 2-3 मिनट बीत गए हैं एंड मैंने इतने सारे एंडरमैन मारे कह रहा ना, आप लोग बस एक बार लाइव टेलीकास्ट देखो, बस यहाँ पर खड़े रहते हैं, अब देखते हैं कितने एंडरमैन आते हैं। देखो अभी 2 आए 3 4 हो गए, अब थोड़ी देर में 2 और आ जाएंगे, 1-2 और आ जाएंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर में ही इतने सारे हो। देखो एक और आया उधर से और एक और, ये देखो पूरी भीड़ जमा हुई है। एंड बस आप लोगों को थोड़ा दूर रहते हुए मैं मानना है क्या क्या आप लोगों को थोड़ा डैमेज बता रहे हैं, पाँच जाओगे तो अलग अलग डैमेज नहीं होगा, मर भी गया उसमें। और मेरी एक्सपी 2-3 ही मिनट में भाई 2 एक्सपी बड़ी अच्छा मतलब 56 से थी ना 58 हो गई है। एंड देखो यार एंडर पल तो देखो 3 मेरे पास आ गई थी वैसे वहीं पर ही मैं साइड में था, तो एंडर पल इतनी सारी है। अभी देखो कितने स्टैक हुए हैं हमारे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और थोड़ा 4 एंडर पल, 6 स्टैक और 4 एंडर पल हुए हैं। तो गाइस यार आप लोगों ने देखा कि इसने हमें थोड़ी सी देर में इतने सारे एंडर पल दे दिए एंड इसने हमारी एक्सपी भी बढ़ाई है। और अगर आप लोगों को ये फार्म बनाना अभी तक नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखो और ये फार्म बनाना सीख लो यार। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फार्म और माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।